वैशाली जिले की गुलनाज की हत्या के मामले में अब सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठने लगी है। दरअसल मधुबनी जिले के जयनगर में राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलनाज के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है वह कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज वैशाली में देख लीजिए नीतीश कुमार मीडिया के बल पे आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन आपके सरकार में और आपके शासन काल में आपका हम लोग नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, महागठबंधन नहीं कह रहा है, सरकार का डाटा आंकड़ा है। प्रतिदिन 2 से 3 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और नीतीश कुमार का प्रशासन और शासन चुप्पी लगाए हुआ है। देखिए बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, बलात्कार, लूट, भ्रष्टाचार के खिलाफ वैशाली की बेटी गुलनाज को दिन दहाड़े जला दिया गया, उसके खिलाफ आज हम लोग शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाले हैं। और ये निकम्मी जो कुमकंदरी निंद्रा में सोई हुई सरकार है डबल इंजन की, उसको जगाने के लिए आज हम लोग महागठबंधन के लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र में अलीबाबा नाम के व्यक्ति ने नीतीश कुमार की जीत पर अपनी उंगली को काट कर ब्रह्मा बाबा को भेंट कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति अब तक 4 बार अपनी उंगलियां काट चुका है। वहीं अलीबाबा ने नीतीश कुमार से मिलने की इच्छा जाहिर की है। अगर मान लीजिए कि फिर आप उंगली काटे हैं, हाँ। फिर नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात नहीं होगी, लास्ट 10 दिन के अंदर खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर लीजिए अगर उनसे मुलाकात नहीं होगा। ठीक से पक्का शरीर काट काट के 4 बार से दे रहे हैं कि 10 दिन का टाइम जो है 10 दिन के अंदर अगर मुलाकात नहीं हुई एकदम उसमें दोषी रहेंगे उनका सचिव चल चल उन्हीं के ऊपर ऐसा काम करेंगे। छपरा के बनियापुर प्रखंड वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में विकासशील इंसान पार्टी के वीरेंद्र ओझा, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। तो वहीं इस एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए आयोजन किया गया। ये जो जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोरोना काल में सारी व्यवस्थाएं बड़ी मायूस थी और सारे लोग बड़े मायूस थे, तो इन युवाओं के अंदर एक तरह के फिर से ऊर्जा लाने के लिए इस तरह के एक शारीरिक खेल का आयोजन कर उनके मोरल बूस्टिंग किया गया और आशा करते हैं कि इससे एक पॉजिटिविटी आएगी पूरे माहौल में और आगे लोग कोरोना से लड़ाई भी लड़ेंगे और अपने को फिट भी रखेंगे। जमुई के झाझा स्टेशन पर बुकिंग काउंटर में लोगों को टिकट मिलने में काफी परेशानी हो रही, जिसके कारण काउंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि झाझा रेलवे स्टेशन पर केवल एक बुकिंग काउंटर है, जिसके कारण रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर की आने की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर जमुई जिले के झाझा में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान का नेतृत्व झाझा थाना अध्यक्ष श्रीकांत कुमार कर रहे हैं। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है।